पहला सुखदेव जी का रुख करदा और दयाल सिंह सोढ़ी जी का। सुखदेव जी, लगता है कि सियासत हो रही है? जे हो रही है तो कौन कर रहा है? तो लगता है कि जथेदार साहब वाले पासे तो सियासत है या फिर सीएम वाले पासे तो सियासत है? गल तो दोवें पासे अमृतपाल वाले ऑपरेशन दी है। देखो गल गौरव जी, ये है गल सियासत दी तो है ही है जी, पर असल गल जेड़ी है एक गल तो बड़ी साफ ते स्पष्ट है। असी सारे ही पंजाबी, चलो खासकर सिख कम्युनिटी, असी अपना अकाल तख्त साहब नूं असी सर्व उच्च मानते हैं, अकाल तख्त के जथेदार नूं अपना सर्व उच्च मानते हैं। साढ़े बखरेवे विचार होंगे है, साढ़े भी है, असं ये नहीं कहते भी साड़ी पार्टी के बखरेवे नहीं है, साढ़े भी पार्टी के बखरेवे है, पर जो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता सी, क्योंकि जिन्नी क मेरी जानकारी है, जिन्ना क मैं असी पिछले एक साल दे विच सरकार दा ते जथेदार साहब दा आपस च विहार देखे है, मेरे ख्याल चार तो पांच बारी ता अकाल तख्त साहब दे जथेदार ते साडे सीएम साहब कट्ठे जुड़ के बैठ चुके ने और घंटे घंटे दीआं मीटिंग्स भी होईआं ने, कट्ठिआं ने लंगर भी छकिआ है, ठीक है। ते जे वह पहला किसी मामलों के उत्ते कट्ठे बैठ सकते ने, एक दूजे को जा सकते ने, तो मेरे ख्याल दे विच जे सरकार नूं जां मुख्यमंत्री साहब नूं कोई बखरेवा सीगा उहनां दी उस गल दा, तां बहि के पहला कर लैणी चाहीदी सी। टाली जा सकदी सी। सुखदेव जी तुसीं कह रहे हो कि गल टाली जा सकदी, जिहड़ी कल उहनां ने जिहड़ा मैं कहिंदा चैलेंज कहा ना, उहनां ने भी 24 घंटे दा अल्टीमेटम दित्ता है, ठीक है, उहदे उत्ते मैं उत्ते गल करके टाली जा सकदी सी। देखो मेरी गल पूरी हो लैण दिओ जी जी, जे असीं अमृतपाल सिंह दे केस दे विच आई जी साडा इंटेलीजेंसी जसकरण सिंह जाके जथेदार साहब नूं अपील कर सकता है, उन्हां तों उहनूं सरेंडर करन दी अपील करा सकता है, तां मेरे ख्याल दे विच इस गल नूं भी टाला जा सकता सीगा, क्योंकि एक संवेदनशील पहला ही मुद्दा संवेदनशील है, बिल्कुल, और उस दे उत्ते असीं संवेदनशील मुद्दे उत्ते और संवेदनशील सूबा है साडा, उहदे उत्ते असीं इस किस्म दीआं गलतियां ना करिए, क्योंकि जिहड़े कि टकराव दी सिचुएशन बणे। हुण असीं जदों देखो गल इक है, असीं उहनूं हुण जिन्ना मर्जी कहीए लैंग्वेज दा, देखो सीएम साहब दी सख्त हैगी हुई हैगी है, उहनां ने देखो जदों किसे ते तुसीं इल्जाम लाओगे भी तू किसे दा उह व्यक्ति विशेष दा तू पक्ष पूरदे रहे हो, व्यक्ति विशेष दा पूरदे रहे हो, मैं कहना इन्हां गल्लां दे नाल साडे भी बखरेवे गौरव जी बिल्कुल रहे ने और हैगे और रहणगे भी, क्योंकि इह संस्थावां दे विच मैं ही नहीं कहता भी इतने कदे भी सारा कुछ ठीक ही रहा, हुंदा रहेगा, इन्हां नूं यूटिलाइज किया जाता रहा, पर जी, जी। पर अज जो समय उहदे विच इहनूं अवॉइड किया जा सकता सी, और खासकर उहनां दोष घसीटां नूं जिहड़ी कि आपस दे विच उसके उपर सवाल चुक रहे हो। मैं तुहाडे कोल वापस आना, मैं एक बार रुक करदा दयाल सिंह सोढ़ी जी साडे नाल बीजेपी तो जुड़े हुए ने। सोढ़ी साहब, तुहानूं लगता है कि माण मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया उस ट्वीट दे विच जिस दे उत्ते इस समय पूरी चर्चा हो रही है सीएम दे ट्वीट च? देखो गौरव जी, मेरी गल इस तरह है कि जिहड़ा आपां विषय ते बहस कर रहे हैं जी, ये बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, और मैं नहीं चाहता कि पंजाब दे विच कोई अजिहे हालात बन जिहड़ा पंजाब दे लोकां ने पहला एक संताप भोगिया है ते मुड़ पंजाब उस वल वधे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਜੇ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ।